आज मैं आपको इस वीडियो में पाइपिंग वाले गले की कटिंग व सिलाई करने का तरीका बता रही हूँ। जैसे ये हमारी कुर्ती है, हमने कुर्ती का कटिंग कर रखा है, अब हम इसमें गला बनाएंगे। गले के लिए मैंने ये बुकरम ली है, ये बुकरम मैंने चिपकाने वाले लिए है जो प्रेस से चिपकाए जाते हैं। आप चाहो तो सिंपल बुकरम भी ले सकते हो। मैंने बुकरम की लंबाई 15 इंच ली है ऐसे, और चौड़ाई इसकी 8 इंच है, सब सवा आठ इंच है। अब इसको हम ऐसे गले की कटिंग के लिए हम अब इसको ऐसे डबल करेंगे। इसको अच्छे से ऐसे दबा के इसको फोल्ड कर देंगे। अब इसके बाद हम इस पर गले का निशान लगाएंगे। उसके लिए जैसे आप चौड़ाई का गला पहनते हो, अगर आप ज़्यादा चौड़ा पहनते हो तो आप 3.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हो। यहाँ पे मैं 3.25 इंच का निशान लगाऊंगी, क्योंकि गला थोड़ा कुर्ती के अनुसार इसकी गहराई कम होगी और चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा लेंगे हम। 3.25 इंच का मैंने चौड़ाई ले ली और ऐसे 4.25 इंच की मैंने गहराई ले ली। आप चाहो तो और ज़्यादा गहरा कर सकते हो, लेकिन फिर आपको चौड़ाई ज़्यादा कम करनी पड़ेगी इसकी। इसके बाद हम इसको ऐसे ऐसे चकोर शेप दे देंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे हम ऐसे 1.5 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे, फिर इसकी ऐसे गोल शेप दे देंगे इस तरह से। इसके बाद जैसे कि हमें 1 इंच की चौड़ाई की बुकरम रखनी है, उसके हम इसको ऐसे 1 इंच चौड़ाई के निशान लगा देंगे। अगर आपको थोड़ी कम रखनी है तो आप थोड़ी कम पे निशान लगा सकते हो ऐसे। ऐसे मैंने 1-1 इंच का निशान ऐसे यहाँ तक लगा देंगे। जो गले की लंबाई हमें जितनी हमें रखनी है आप उसके अनुसार निशान लगा सकते हो। जैसे हमें 9 इंच के गले की आगे से खोलना है, उसको हम 9 इंच का निशान लगा देंगे। फिर हम ऐसे 1-1 इंच की इसकी पूरी गोल यहाँ तक नीचे तक निशान लगा देंगे ऐसे। यहाँ से ऊपर से हम एक ऐसे निशान को एक दूसरे से ऐसे मिला देंगे। इस तरह से यहाँ तक हम कट करेंगे। नीचे हम ऐसे ही 1 इंच एक्स्ट्रा और बुकरम रख लेंगे, जिसमें हम कट नहीं करेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाले गले इसकी जो हमारा ऊपर वाली बुकरम है इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम ऐसे नीचे से कटिंग करेंगे ऐसे। ऐसे चारों तरफ जो एक्स्ट्रा बुकरम थी वो हमने इसमें से ऐसे हटा दी। ये हमारे गले की कटिंग तैयार हो गई। अब हम इस पे जो हमने कपड़ा लिया है ऐसे, इसको कपड़े को ऐसे उल्टा करके रखेंगे और इसके ऊपर ये बुकरम जैसे मैंने प्रेस करके इसको बुकरम को चिपका दिया। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम निकाल देंगे। कपड़ा हम ऐसे 1/2 इंच इसमें छोड़ेंगे ताकि ये बुकरम के ऊपर दोबारा हम जब सिलाई लगाए बुकरम के ऊपर अच्छे से ढक जाए, ताकि बुकरम न चमके। ऐसे चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम ऐसे निकाल देंगे। इस तरह से ये हमने जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको निकाल दिया। अब इसके बाद इसको ऐसे करके इसके ऊपर ऐसे चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। जहाँ पे ये है यहाँ ऐसे कट लगा लेंगे इस तरह से, और बड़ा नंबर करके
इसे बुकरम के चारों तरफ को सिलाई कर देंगे। जैसे मैंने चारों तरफ बुकरम की सिलाई कर दी, अब इसको गले को ऐसे मोड़ के और बुकरम को अच्छे से ऐसे एकदम बिल्कुल बीच में डबल करके ऐसे निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हम ऐसे इससे निशान लगा देंगे चाक से, ताकि जब सिलाई लगाए सिलाई हम आसानी से लगा सकें। और यहाँ बीच सेंटर में ऐसे ही कट लगा देंगे। इसके बाद हम ऐसे कुर्ती के पीस को फैला के इसके भी हम ऐसे बीच सेंटर में एक निशान लगा देंगे ऐसे। और इसके बाद इसमें भी हम बीच बीच में ऐसे निशान लगाएंगे, ताकि जब हम बुकरम लगाए बुकरम टेढ़ी ना लग पाए ऐसे। इससे अगर थोड़ी भी बुकरम टेढ़ी हो जाती है तो पूरे ही सूट का फिटिंग ही तिरछा जाने लगता है ऐसे। फिर इसके बाद इसको ऐसे खोल के इन निशान को ऐसे एक दूसरे से ऐसे मिला देंगे, ताकि हमें जब हम इसके ऊपर गला लगाए अच्छे से फिटिंग आ जाए ऐसे। फिर इसके बाद इसको ऐसे इसके ऊपर रख के ऐसे जान रहे, जो हमारे एक हम जो हमने बीच में निशान लगा था ऐसे बीच सेंटर में, वो भी हम ऐसे इस निशान पर ही आना चाहिए ऐसे इस तरह से, और ऊपर भी। इसके बाद इसके ऐसे किनारे को सिलाई लगाएंगे, और जो हमने निशान लगाया है एक सिलाई हम इस साइड लगाएंगे, थोड़ा सा एक पैर का गैप देके और इतनी हम इधर छोड़ेंगे ऐसे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे बीच में इस सिलाई को, ताकि हम बीच में जब कंची से काटे तो बुकरम या सिलाई ना कट पाए। जैसे मैंने चारों तरफ को सिलाई लगा दी, अब इसको जो अंदर का कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे ऐसे। जैसे मैंने बीच का पूरा कपड़ा हटा के और ये यहाँ पे कट लगा दी। अब जो मैंने बीच में सिलाई लगाई थी, सिलाई मैंने थोड़ा हटा के लगाई, तो उसमें कोई हम ऐसे इसकी कटिंग कर देंगे। ध्यान रहे सिलाई ना कटने पाए, नहीं तो पूरा गला खराब हो जाएगा ऐसे। इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे यहाँ तक ही जहाँ तक मैं हमने सिलाई लगाई है ऐसे। अब इसके बाद इसको ऐसे सीधा कर देंगे इस तरह से, पूरे गले को ऐसे सीधा कर देंगे। आप चाहो तो इस पर प्रेस कर सकते हो, या फिर इसमें आप ऐसे बड़ा नंबर करके चारों तरफ सिलाई लगा सकते हैं ऐसे इस तरह से। सिलाई हम बड़ा नंबर करके इसलिए लगाते हैं क्योंकि हाथ से तुरपाई करने के बाद वो सिलाई हटा देते हैं, उससे हमें गले में पाइपिंग लगाने में भी सुलझत आसानी रहती है और पाइपिंग भी अच्छे से लग जाती है। जैसे मैंने सिलाई लगा के गले को तैयार कर दिया, इसके बाद हम इसमें पाइपिंग बनाएंगे। पाइपिंग मैंने आपको पहले वीडियो में बताई है कि चकोर कपड़े में से तिरछी पाइपिंग निकलती है जो ऐसे खींचती है। पाइपिंग हम ऐसे लगाएंगे, इस साइड हम यहाँ तक लगाएंगे और एक साइड हम ऊपर से यहाँ नीचे तक लगाएंगे। इस साइड हम पाइपिंग नहीं लगाएंगे क्योंकि इस साइड हम बटन लगाएंगे। अब मैं पहले आपको इस साइड पाइपिंग लगा के दिखाती हूँ। ऐसे पाइपिंग को ऐसे पाइपिंग वाली पट्टी को डबल करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे ऐसे ये जो पाइपिंग वाली पट्टी है इसको ऐसे खींचना है, और ऊपर वाले गले को हम बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ तक पाइपिंग लगा दी, जो इधर से पाइपिंग है इसको हम ऐसे पीछे की तरफ ऐसे मोड़ लेंगे, और मोड़ के तब यहाँ पे लगाएंगे। अब जैसे मैंने एक साइड पाइपिंग लगा दी, अब इसको ऐसे बना देंगे। जो ये कपड़ा है थोड़ा एक्स्ट्रा इसकी कटिंग कर देंगे ऐसे, और इसको इस तरह से ऐसे
इसमें को हम ऐसे सिलाई लगाएंगे, सिलाई हम एकदम बिल्कुल ऐसे कन्नी पर लगाएंगे, ना हम पाइपिंग पर लगाएंगे ना नीचे, एकदम बीच में सिलाई के बीच में सिलाई लगाएंगे। जैसे मैंने इस साइड पाइपिंग बना दी, अब हम दूसरी साइड लगाएंगे इधर से पाइपिंग। अब इस हाथ ऐसे लगाएंगे इसको ऐसे उल्टी करके, इसको इधर भी हम ऐसे पट्टी को इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ पे ऐसे करेंगे, ताकि फिर हम इसको ऐसे पलट देंगे। अगर आप इस हाथ से लगाओगे तो ये हाथ उल्टा पड़ता है, इसलिए इस तरफ हम ऐसे लगाएंगे खींच के। इस साइड भी मैंने पाइपिंग यहाँ तक लगा दी और इधर वाला हिस्सा मैंने प्लेन रख दिया। अब हम इसकी ऐसे ही पाइपिंग बनाएंगे जैसे हमने दूसरी तरफ बनाई है, ऐसे सिलाई करके नीचे तक हम ऐसे सिलाई करते हैं। जैसे मैंने ये साइड पर सिलाई लगा के तैयार कर दी, अब मैं इसकी यहाँ पे घुंडी लगाऊंगी और बटन लगाऊंगी। मैंने इसकी डोरी बना ली है, डोरी बनाना मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है। अब इसके में ऐसे दो दो इंच के ऐसे ये पीस काट लेंगे इस तरह से, इस तरह से दो दो इंच के हमने डोरी के पीस काट लिए। ऐसे अब मैं इसको ऐसे लगाएंगे, ऐसे डोरी के नीचे सिलाई लगाएंगे जहां हमने पहली सिलाई लगाई थी, और घुंडी को इस तरह से मोड़ के, आप चाहो तो इस पे निशान लगा सकती हो, ताकि हम जो हम ये घुंडी लगाएंगे ये बराबर लग सके इस तरह से। आपको एक पूर्ण इंच का गैप देना है, ताकि जब बटन लगाए बटन भी आराम से लग जाए, नहीं तो फिर बटन ज़्यादा गिन के हो जाते हैं और अच्छे नहीं लगते। इस तरह से यहाँ तक लगा, जितनी घुंडी आएगी हम यहाँ तक ये घुंडी लगा देंगे। जैसे मैंने इस साइड में ये घुंडी लगा के तैयार कर ली, अब जो दूसरी साइड है जिस साइड हम बटन लगाएंगे, उस साइड हमने ये पट्टी ली है एक डेढ़ इंच चौड़ी, इसको ऐसे ऊपर से पहले डबल करेंगे इस तरह से, फिर इसके ऊपर ऐसे रख के इस तरह से इसमें हम यहाँ तक सीधी सिलाई लगा देंगे ऐसे, जिसमें बटन लगाएंगे ऐसे बटन बीच में से छिद, मतलब ऐसे इस तरह से, फिर इसमें हम बटन लगा देंगे। ये पट्टी ऐसे यहाँ तक सीधी सिलाई कर दे। ये हमारा पाइपिंग वाला गला बनकर तैयार होगा। इसके घुंडी के नीचे ऊपर हमने ये बटन लगा दिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।